मैं आ गया हूँ ये कि ये बावरी के पास, यहाँ ये बावरी है इसके अंदर, किले के अंदर, लेकिन इसमें एंट्री तो इन लोगों ने बंद कर रखी है। पैसे भी ले रहे हैं और एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। वाह, ये तो जुल्म है हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी, क्योंकि अगर हम नहीं जा पाएंगे तो आपको कैसे दिखाएंगे। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ फरोशा कोटला फोर्ट। जी हाँ, फरोशा कोटला फोर्ट। यहाँ आने की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है आपका दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन नियर अबाउट है, और टिकट की बात करें तो 25 रुपीज़ का टिकट है। तो अभी चलते हैं अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे जामी मस्जिद और अशोक स्तंभ और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं ये व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं ये फरोशा कोटला का व्लॉग। ये है कुछ नज़ारा बाहर का, मेन का, मेन एंट्री गेट का, जो कि अगर हम मेन रोड से आते हैं तो ये सामने मेन रोड है, और मेन रोड से आएंगे तो ये सामने फोर्ट है। लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे ये टिकट घर है, जिसमें 25 रुपीज़ का टिकट है, और अंडर 15 जो बच्चे हैं उनका जो है टिकट नहीं लगता है। यह है एंट्री गेट और यहाँ से हम चलते हैं अंदर। अंदर चलते हैं तो ये सब कुछ हमें यहाँ खंडर हो चुका, ये किला हमें ये देखने को मिलता है, जो कि सब कुछ इसका गिर चुका है, स्ट्रक्चर इसका। ये आप देखिए, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तुगलक वंश का एक बेहतरीन किला। वैसे तो तुगलक वंश में दो किले और भी बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स में, वो भी आप देख पाएंगे, जिनमें से एक है तुगलकाबाद किला, जिसको बनवाया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। दूसरा है अदिलाबाद किला मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिलहाल अभी हम इसी किले पर आए हैं और इसी किले से स्टार्ट करते हैं। तो ये किला मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए गाइस, तुगलक को इस किले के बनवाने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि बाकी के जो दो किले थे उनमें पानी की बहुत किल्लत रही होगी, तो ये जो किला बनाया था उन्होंने बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पे बनाया था, जिससे कि पानी की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये भी एक मेन रीजन था, बाकी और भी रीजन हो सकते हैं, बट पानी एक मेन रीजन रहा होगा उस टाइम पे। तो अभी चलते हैं आगे। बस ये जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, इसकी जो ऊंचाई है ये 15 मीटर है, और इसका जो ढलान है ये बाहर की तरफ को है। ये बीच में जो आप ये जो छेद आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये तीर चलाने के लिए जगह होती थी उस टाइम पे, जो सिपाही यहाँ खड़े होते थे वो इनका यूज़ करते थे। तो अभी आगे चलते हैं, आगे कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। आगे यहाँ मस्जिद है, अशोक स्तंभ है, और कुछ गुफाएं हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं या जिन जिन्नात हैं। ये हम इसकी खैर वो नहीं करते हैं कि ऐसा है या नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। खैर हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, बाकी हम देखते हैं किले में और क्या क्या है, दिखाते हैं आपको। मैं आ गया हूँ ये कि ये बावरी के पास, यहाँ ये बावरी है इसके अंदर, किले के अंदर, लेकिन इसमें एंट्री तो इन लोगों ने बंद कर रखी है। पैसे भी ले रहे हैं और एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। वाह, ये तो जुल्म है हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी, क्योंकि अगर हम नहीं जा पाएंगे तो आपको कैसे दिखाएंगे। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी बाहर से ही।
ये देखिए गाइस, ये है यहाँ पर एक ये बावरी और ये इसमें नीचे से यहाँ फिटिंग कर रखी है। ये देखिए इसमें शायद अभी भी पानी होगा, अब ये बारिश का है या कैसा है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। अंदर जाएंगे तो कुछ बता पाएंगे, अंदर के लिए मना किया हुआ है। ये इसके मेन गेट पर इन लोगों ने यहाँ पे ताला लगा रखा है तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो बावरी से आगे चलते हैं तो कुछ और दिखाते हैं आपको। तो बावरी से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अशोक स्तंभ जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। ये देखिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है अशोक स्तंभ। ये देखिए, ये 3 मंजिला इमारत है और एंट्री फिलहाल इसमें अभी नहीं है, एंट्री बंद कर रखी है, ये जाल लगा के इसको कवर किया हुआ है पूरा, तो एंट्री इसमें नहीं है। 3 मंजिला इमारत है लेकिन इसमें जा नहीं सकते, पहले इसमें जा सकते थे काफ़ी टाइम पहले लेकिन फिलहाल अभी बंद किया हुआ है। ये देखिए, तो अशोक स्तंभ से आगे चलते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं। अंदर जाना अलाउड नहीं है, अंदर जा नहीं सकते तो फिलहाल आगे चलते हैं। लॉकडाउन से पहले ये सब खुला होता था, जब से लॉकडाउन लगा है लॉकडाउन के बाद से काफ़ी चीज़ें बंद तो हुई लेकिन दोबारा से ओपन नहीं हो पाई। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो बच्चे जाते थे चित्रकारी करते थे इस वजह से बंद कर दिया है या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, तो फिलहाल ये बंद है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे आपको मस्जिद दिखाते हैं यहाँ पे, चलिए अंदर चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ जामी मस्जिद पर जो कि अपने टाइम की एक ही बहुत ही भव्य और शानदार और बड़ी मस्जिद रही होगी। ये मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं एक बार बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो इसका एंट्री गेट है इसको उस टाइम नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया था लेकिन आज इसकी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है और कुछ लुटेरे लूट कर भी ले गए होंगे। सो गाइस, मैं आ गया हूँ ऊपर और ये देखिए, ये है इसका मेन एंट्री गेट। ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से हम अंदर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये गुंबद, ये देखिए गुंबद दी हुई है और इसमें 4 साइड गेट हैं, इधर से भी आ सकते हैं। एक ये गेट है और एक ये गेट है, बाकी ये चौथा गेट मस्जिद में अंदर जाने के लिए है। जूते चप्पल यहीं उतारने होते हैं क्योंकि मस्जिद है, तो हमने भी उतार दिए हैं क्योंकि मस्जिद अभी भी है, एक्टिव है, वर्किंग है, नमाज अभी भी होती है यहाँ पर। तो अंदर चलते हैं। वाह जी, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये देखिए, जी जी जी, तो उस टाइम की काफ़ी सबसे बेहतरीन इतनी बड़ी मस्जिद है और ये मस्जिद के साइड से ये रोड चलता हुआ, ये IGI स्टेडियम। मस्जिद अभी भी जो है नमाज हो रही है मस्जिद में, फजर की और ईशा की नमाज़ नहीं होती है, बाकी 3 टाइम की नमाज़ें
यहाँ पर बराबर होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। तो अभी तक मैं जितने भी किलों में फोर्ट में गया हूँ, ये पहली एक ऐसी मस्जिद है जो अभी भी जिसमें नमाज अदा हो रही है। तो अभी आगे चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। सुबह इस मस्जिद के गेट से जब हम नीचे आते हैं तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये जाल लगा रखा है यहाँ पे, इस जगह को कवर किया हुआ है। पता नहीं इसके नीचे क्या है। इस यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो हैं ये कुछ कमरे हैं जो कि बंद किए हुए हैं, ये सब ये देखिए। यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो अंदर के ये जो कमरे हैं इनमें जाना अलाउड नहीं है, और हम बाहर से ही देखते हैं क्या है यहाँ पर, कोशिश करते हैं बाहर से देखने की। तो ये सब कमरे यहाँ पर आप देखेंगे सारे बंद किए हुए हैं यहाँ पर। अब इसकी वजह एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हैं जिन्नात हैं या कुछ और हैं। मे भी हम इस चीज़ में नहीं जाते हैं आगे ज़्यादा, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस चीज़ के में नहीं जाना भी नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ, यहाँ कुछ खंडर हैं इस किले के, तो ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गेट आप देखिए ये देखिए, इसके अंदर से चलते हैं, ये देखते हैं। इसके पीछे अब काफ़ी मकान भी बन गए हैं पीछे, ये देखिए ये एक और गेट है। यहाँ से भी अंदर चलते हैं और देखते हैं, ये देखिए ये देखिए, पूरे किला जो है खंडर में तब्दील हो गया है। तो एक टाइम पे जो कभी किला रहा होगा आज की डेट में वो एक खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके किले के अंदर के ये कुछ उस टाइम रूम रहे होंगे जो कि गिर चुके हैं, इनकी छत वगैरह गिर चुकी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं, आगे कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। और ये देखिए ये भी एक पार्ट है, और ये कमरे शायद बचे हुए हैं पहले से, अभी तक ये कमरे जो हैं भी बचे हुए हैं। ये देखिए ये एक और गेट है यहाँ पे, ये शायद उस टाइम पे ऊपर जाने के लिए शायद जीना बनाया गया होगा जो कि अब बिल्कुल टूट चुका है। ये देखिए ये कभी यहाँ पे ये कमरे रहे होंगे, सब टूट चुके हैं ये, क्योंकि काफ़ी पुराना है, आई थिंक 14 सेंचुरी का है। तो 14 सेंचुरी से अब तक बच पाना काफ़ी मुश्किल है। गाइस अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।